जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है 2 माइनस में 1 बाई 3, फिर 2 माइनस में 1 3 बाई 5, फिर 2 माइनस में 5 बाई 7। इस तरह इनको सॉल्व करना आगे जा रहा है 2 माइनस में 997 बाई 999। यहाँ तक इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करके लिख लेंगे 3 × 6 − 1 यानी कि 5/3। फिर हम क्या करेंगे 5 × 10 − 3 = 7/5 लिख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे 7 × 14 − 5 = 9/7 लिख लेंगे। इसी तरह हम लिखते जाएंगे तो आगे क्या आएगा हमारे पास 999 × 1998 और माइनस में 997, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1001/999। अब ये देखो इस तरफ से कटते जा रहे हैं, 5 से 5 कट गया, 7 से 7 कट जाएगा, आगे 9 से 9 कट जाएगा, कटता जाएगा। अब ये संख्या है, ये संख्या है, ये इससे पहले वाले से कट जाएगी, तो हमारे पास ऊपर क्या बचा 1001 और नीचे क्या बचा 3। तो ऊपर 1001 और नीचे क्या बचा 3, यही क्या हमारा आंसर है।